है, जैसे मैंने आपको कमेंट किया था कि इस वीक में आपका बिजनेस कैसे सेटअप करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेटअप ई कॉमर्स बिजनेस। तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो इनिशियली, कितना लीगल फीस होगा, इक्विपमेंट्स क्या होगा, क्या चाहिए आपको आपके ऑफिस में, आपके घर में, उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस अगर लेट से आप जीरो पे पोजीशन में हैं और आपके दिमाग में ख्याल आया कि चलिए हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, ऐसा नॉर्मल पर्सन बेसिक है, तो आपको सपोज कुछ भी जानकारी नहीं है और आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, तो पहले आपको प्रोसेस एंड प्रोसीजर समझना होगा, प्रोसेस कॉस्ट समझना होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है नहीं होता है उसकी जानकारी आपको लेनी होगी। लेट्स अज्यूम आपको वो जानकारी सारी मिल गई, आपको पता चल गया कि इसमें फ़ायदा हो सकता है, इसमें फ़ायदा नहीं हो सकता। अब आपको सेटअप करना है ई कॉमर्स का बिजनेस, तो पहले आपका लेट्स प्लेस ऑफ बिजनेस को डिसाइड करना होगा। प्ले अपने घर से कर सकते हो, अगर आप खुद का आपका घर है, या फिर आपके आप बिजनेस करना चाहते हो और घर आपके फादर के नाम होगा तो भी आप बिजनेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको ओनर हैं, जो घर के ओनर हैं, उनको ये ऑथोराइजेशन लेटर देना होगा आपके नाम का, यू कैन डू द बिजनेस, मतलब मैं, और वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनल आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो भी आपके एड्रेस का वो पैन कार्ड मैंडेटरी है, और बेसिक जो अभी डिटेल्स छोटी मोटी डिटेल्स है, बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है बाद में जब आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा उसके बाद, तो ये सब बेसिक आपको जो रिटर्न मतलब एनी टाइम रेडी करना होगा। जो पहला स्टेप है आपका ट्रेड लाइसेंस है, तो ट्रेड लाइसेंस के लिए जो इनिशियली मैंने बताया कि एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ये मांगेंगे, और आपकी किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो वो चीज़ का आपको वहाँ देना पड़ेगा। जो ट्रेड लाइसेंस आपको मिल जाएगा वो आपको कॉरपोरेशन मतलब जो आपके ऑफिस नियर म्यूनसिपल ऑफिस है, जो आपको ब्रोकर्स भी होते हैं करवाने के लिए, और इसका प्रोफेशनल टैक्स भी है वो आपकी पे करने के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। अगर आप कोई भी बैंक में जाएंगे, आपका नियरेस्ट बैंक में, और आप वहाँ बोलोगे करंट अकाउंट खोलना है कंपनी के, तो वहाँ पे सारे आपको ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स पे करने के लिए वो सब उनका थोड़ा सा कमीशन होता है वो, लेकिन वो ट्रेड लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो अकाउंट खुलवा देंगे और आपके कंपनी के नाम की सारी चीज़ कंप्लीट करवा के वो दे सकते हैं, तो कंपनी के नाम का आपका सेटअप हो जाएगा। और प्रोप्राइटरशिप अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, जो प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे बहुत सारे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, जो टैक्स रिटर्न है, आईटी रिटर्न्स है, और बाकी चीज़ों पेपर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर पार्टनरशिप अगर फर्म है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा झमेला हो जाएगा उसमें, तो मैं अभी इनिशियली जो सजेस्ट करता हूँ, जो शुरुआत करते हैं उस अभी प्रोप्राइटरशिप नहीं करेंगे तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका ट्रेड लाइसेंस आ जाता है तो प्रोफेशनल टैक्स पे भी हो जाता है, उसके बेसिस पे आप जीएसटी नंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका नियरेस्ट जो भी सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो वहाँ पे आप जाइए फिजिकल, तो वहाँ जाके आप सारी चीज़ करवा सकते हो फिजिकली, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, सारी चीज़ सबमिट करवा के आराम से वो कर सकते हो, उसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा आपके ऑफिस में नियरेस्ट में, आप या फिर ब्रोकर के थ्रू करवाना चाहते हैं या खुद से। रही बात, ये तो हो गया आपका पेपर वर्क्स, ओके, ये तो हो गया आपका पेपर वर्क्स। अभी जो आपका इक्विपमेंट्स लगेगा और सॉफ्टवेयर क्या लगेगा वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि एक आप लैपटॉप ले लीजिए या फिर आपका डेस्कटॉप ले लीजिए, ठीक है। आप दूसरा हो गया आपका ये प्रिंटर, आप लेज़र प्रिंटर कोई बहुत बड़ा हाई फाई मत लीजिए, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि एक मैनुअल में आता है ब्लैक एंड वाइट वो ले लीजिए, उससे काम चलाइए, ठीक है। या तो फिर यार अगर स्टार्टिंग में आपका है तो किसी और से हेल्प ले लीजिए, या फिर किसी दोस्त से ले लीजिए, किसी रिलेटिव से ले लीजिए, कोई किसी के पास होगा उससे आप काम चलाइए। ज़रूरी नहीं कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ज़्यादातर हाई फाई करो, ठीक है, काम आपका चल जाएगा। स्टार्टिंग में जब भी आपका परफॉर्मेंस करेगा बिजनेस आप ले सकते हो, डेफिनेटली आप ले सकते हो उसको, तो उस तरीके से आप ले लीजिए, वो भी अच्छा ही रहेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। तो बाकी का जो आपको और चीज़ की ज़रूरत अगर हो कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज या जानकारी नहीं है,
तो आप डेफिनेटली मुझसे आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, या फिर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर मुझे मेल करके, तो सारी चीज़ डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। तो अभी के लिए वीडियो में क्लोज करता हूँ, बाकी का जो प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर जो आपको है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करूँगा। काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से मैं इस बार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा कंटिन्यू इसी के साथ, किस तरीके से हम पूरा कॉज एंड प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि मैं दूंगा, वो चीज़ मैं डेफिनेटली आपको देता रहूँगा। तो अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और रेड बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को मिलता रहे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।